वेरी वेल डन। मैं नागन टम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई भी आदमी सीरियस अय्यर से अच्छा स्पिन को नहीं खेलता जितना कमाल ये खेलता। और ये प्रूफ कतर पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने, इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स के लिए 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि यही नहीं, अभी और सुनिए। कमाल कर दिया लड़कों ने, और लड़कों का नाम है अश्विन और अय्यर। और एक ऐसा मैच जो कि बिल्कुल जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनके दिल बहुत ही धक 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 कर रहे होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट स्पोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। दोस्तों, भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर और अश्विन ने शानदार पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अश्विन और अय्यर को जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। When it matters most, your biggest player, your biggest match winner, without a shadow of doubt is Ashwin, जो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। देखिए, आपने 6 विकेट का, वो 6 विकेट ले गया। स्कोर देखे, पहले इनिंग में भी 12 रन कंट्रीब्यूट किया। ये 42 नहीं है, 71 में 42 सिर्फ अश्विन के है। 71 में जो रिक्वायर्ड चाहिए थे 42 अश्विन के है। वो देखे 22, 24, 26, 29 जो भी है अय्यर का, वो उसका रोल ये था कि खुदा ने खास्ता अगर अश्विन आउट होगा उमेश यादव आएगा, अय्यर विल स्टे टिल एंड। वेरी वेल डन। मैं नागन नागन टम। क्या बात है, मजा आया कि इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी लड़के अब तक एक्सपोजर ले चुके इंटरनेशनल क्रिकेट का, कोई भी आदमी श्रेयस अय्यर से अच्छा स्पिन को नहीं खेलता जितना कमाल ये खेलता। और ये प्रूफ के भाई मैं किस तरह का प्लेयर हूं, तो मेरे भाई ये लोग भी तो मैच जिताएंगे। अब नए हीरोज ढूंढो ना, क्या रोना लगाया भाई, कौन से आ रहे हैं, विराट विराट। अरे क्या कभी जिंदगी में भारत को कोई और मैच नहीं जितवाएगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई विराट कोहली ने ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेल के, अबे वो जब उसके लिए जरूरी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में अगर रहने को ग्लोरी है तो विराट की इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ छुट्टियों के ऊपर भाई। हाँ। वो वाला खिलाड़ी नहीं है कि अपनी मतलब जानबूझकर फॉर्म भी खराब है, बल्ले भी बॉल नहीं आ रही, खेले जाओ खेले जाओ खेले जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराना ये बहुत मुश्किल चीज है, और आपने देखा आज बांग्लादेश ने ग्रिप पूरी कर ली थी। 70 पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने, इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स के लिए 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि इंडिया अब जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो चुका हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को 3 या 4 मैचेस हराने हैं। ये इंडिया का, इंडिया के घर के अंदर काम होगा, और अपने घर के अंदर इंडिया जिसको कहते हैं हारता नहीं, हमें भी पता है। तो बात तो सही है। कमाल कर दिया लड़कों ने, और लड़कों का नाम है अश्विन और अय्यर। और एक ऐसा मैच जो कि बिल्कुल जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनके दिल बहुत ही धक 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 कर रहे होंगे। जिस स्टेज पे जनाब विकेट गिरी है 7वीं, और पंत के बाद जब अक्षर आउट हुआ है तो आप, और कैच छूटा एक शॉर्ट लेग से अश्विन का, लेकिन जनाब उसके बाद फिर उसने मौका नहीं दिया, उसने कहा इट्स टू लेट नाउ, और दोनों ने बहुत ही शानदार खेला।